हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिजिटल शुगर। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज करीबन 6 महीने हो रहे हैं कि हमने बाहर से कुछ भी खाना नहीं मंगवाया और मेरा बहुत ज़्यादा दिल करा था ये एक बर्गर खाने का। तो मैंने ये सोचा क्यों ना बाहर से बर्गर मंगवाया जाए। तो मैंने जब जोमैटो चेक किया तो मैकडोनल्ड्स भी दिखा, बर्गर किंग भी दिखा, एंड बोथ आर माई फेवरेट्स। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई कि कहाँ से मंगाओ। तो देन आई थॉट चलो दोनों ही मंगा लेती हूँ। एंड फॉर यू गाइज टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन आर चैनल वी आर डूइंग अ फूड कंपेरिजन वीडियो। तो मैंने मंगाया है कुछ सामान मैकडोनल्ड्स से और कुछ सामान बर्गर किंग से, एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर एंड लेट यू नो विच वन इज द बेस्ट। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। इट रियली मेक्स मी वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कंपेरिजन वीडियो, बिकॉज बहुत दिनों के बाद जब कोई चीज़ खाने मिलती है ना, आपको इसकी वैल्यू डेफिनेटली मालूम होगी, बिकॉज वी आर ऑल इन द सेम बोट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास है मैकडोनल्ड्स का ये मैक वेजी बर्गर और साथ ही में मैंने मंगवाया है बर्गर किंग का वेजी बर्गर। तो सबसे पहले मैं मैकडोनल्ड्स के साथ स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद हम बर्गर किंग खाएंगे। चलिए, लेट मी ओपन दिस वन। वाओ, 6 महीनों बाद इसका बन बिल्कुल वैसे का वैसा है, नाइस एंड सॉफ्ट। अंदर आपको दिखा दी उसमें क्या क्या है। हाँ, एक बहुत अच्छी पैटी है, साथ में दे हैव मेयोनीज एंड सम लेटस। तो चलिए इसको ट्राई किया जाए। इट्स डिलिशियस, इट्स रियली यम। हम क्या कर रहे हैं, फूड कंपैरिजन के साथ साथ ना ऐसे ही फन में मतलब रेटिंग भी दे रहे हैं। तो इस बर्गर को मैं दे रही हूँ आउट ऑफ 5, आई एम गोइंग टू गिव इट अ 4। आई टेल यू व्हाई। इसका बन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और इसकी पैटी भी क्रंची है, लेकिन ये जो अंदर इन्होंने मेयोनीज डाला है ना, ये सॉस बहुत ही कम लग रहा है हमेशा से। सो यू गेट 4/5। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई द बर्गर किंग वेजी। देखूँ इसका बर्गर, इसके अंदर क्या है। बन लुक सिमिलर बट इट्स स्लाइटली स्मॉलर दैन द मैकडी बर्गर। अंदर देखते हैं, इसके अंदर तो मेयोनीज सॉस और भी कम लग रहा है मुझे। हो क्या रहा है ये, खा के देखती हूँ कैसा है। मुझे इसकी पैटी बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगी। आई थिंक आई विल गिव इट 3/5। मुझे एक और बाइट लेने का भी मन नहीं कर रहा, वेरी फ्रैंकली। पता नहीं क्यों पैटी है नॉट टेस्टी एट ऑल। तो आई डोंट नो, मैकडोनल्ड्स की पैटी क्रंची भी थी, टेस्टी भी थी, क्रंची भी थी। दिस वन आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। सो देयर यू गो गाइस, राउंड 2 के लिए हमारे पास है चिकन बर्गर्स। तो यहाँ पे मेरे पास है ये बर्गर किंग का क्रिस्पी चिकन बर्गर और यहाँ पर मेरे पास है मैकडोनल्ड्स का मैक चिकन बर्गर। तो इस बार मैं बर्गर किंग से शुरुआत करूँगी। लेट मी स्टार्ट विद द क्रिस्पी चिकन बर्गर। नाइस। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। बन तो सिमिलर है, ओके। दे हैव अ पैटी इनसाइड, अ चिकन पैटी, एंड थोड़े से अनियंस है एंड सम मेयोनीज। तो चलो खाकर देखते हैं ये वाला बर्गर कैसा है। वैसे ये छोटू सा ही है जैसे वेज बर्गर था, खा के देखती हूँ। गुड। वैसे ये ना एक चीज स्लाइस के साथ शायद और अच्छा लगता, बट इट्स नॉट दैट बैड। अब मैं खाने जा रही हूँ द मैक चिकन बर्गर। तो ये वाला बन बड़ा है कंपेयर टू द बर्गर किंग बन और इसके अंदर देखें क्या है। ओके, सो दे हैव अ पैटी ओवर देयर, साथ ही में उनका ये मेयोनीज एंड द लेटस। इसको भी हम टेस्ट करके देखते हैं। इसकी जो पैटी है ना, इट इज़ स्लाइटली थिकर दैन द बर्गर किंग पैटी। चलो खाकर देखती हूँ। इट्स ऑसम गाइस। इनफैक्ट आई एम स्टिल वंडरिंग इसकी पैटी इतनी ज़्यादा क्रिस्पी कैसे है। दिस वन इज नॉट क्रिस्पी इवन दिस टाइम। ये टेस्टी भी है, क्रिस्पी भी है, इसका बन भी बड़ा है, अंदर ये फिलिंग भी ज़्यादा है।
I'm going to give this one, McDonald's, 515 this time because I really like it. And Burger King, somehow, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, 3/5 again. तो दोस्तों राउंड 3 के लिए मेरे पास है यहाँ पर ये रेगुलर फ्राइज, ये बर्गर किंग के फ्राइज है एंड दीज आर फ्रॉम मैकडोनल्ड्स. तो आइए शुरुआत करते हैं. सो इस बार आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द मैकडोनल्ड फ्राई, बट ये फ्राई देखो कैसा लग रहा है, बिल्कुल भी पिलपिला सा हो गया है. वेर एज लेट मी चेक, अरे ये तो स्टिल दिस इज बेटर, टेस्ट करके देखते हैं. दिस इज द मैकडोनल्ड्स फ्राई. एक्चुअली हुआ क्या, हमने फ्राइज भी मंगा लिए, लेटर वी रियलाइज कि फ्राइज तो ठंडे मज़ा नहीं आता है, बट फिर भी लेट मी टेल यू, मैकडोनल्ड्स के फ्राइज इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं लग रहे हैं, बर्गर किंग के फ्राइज टेस्टी भी हैं और साथ में इतने ज़्यादा पिलपिले भी नहीं हैं. सो आई एम गोइंग टू गिव बर्गर किंग 4/5 एंड मैकडोनल्ड्स 3/5. फॉर राउंड 4 वी हैव गॉट दीज चॉकलेट शेक्स. यहाँ पर है मैकडोनल्ड्स का चॉकलेट शेक और यहाँ पर है बर्गर किंग का चॉकलेट शेक, लेकिन मुझे इसकी पैकेजिंग ना बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस वन. ठीक है, चेक करते हैं. वाओ, इट्स वेरी नाइस एंड क्रीमी. अब मैं मैकडोनल्ड्स वाला चॉकलेट शेक ओपन करती हूँ. ये वाला भी बहुत अच्छा है, बट व्हाट आई थिंक इज ये थोड़ा मिल्की मिल्की है, वाइल दिस इज मोर क्रीमी एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू फिनिश इट टिल द एंड. सो बर्गर किंग के मिल्क शेक को मैं देती हूँ 5/5, वेयर एज दिस वन फ्रॉम मैकडोनल्ड्स आई गिव इट अ 4/5. तो फ्रेंड्स आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आया ये बर्गर्स खा के. 6 महीने बाद आपको जब कोई चीज़ बाहर से आपको कंज्यूम करनी होती है, थोड़ा डर ज़रूर लगता है, बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था एंड टुडे आई कुड फुलफिल माई सेल्फ विद इट. एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी, इन 6 महीनों में व्हेन आई अवॉइडेड जंक फूड ना, मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस हुआ है. सो आई एम अगेन वेरी हैप्पी फॉर दैट. बाकी भी बहुत सारे रीजन्स हैं, बट जंक फूड को अवॉइड करना ये एक मेजर रीज़न था. तो आई होप आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया है. पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना, कमेंट करना इफ़ यू वुड लाइक मी टू डू मोर फूड कंपैरिजन व्लॉग्स. सब्सक्राइब टू डिजिटल शुगर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हिट द बेल आइकन. अंटिल नेक्स्ट टाइम.